श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मंगलां दी बाबत साध संगत जी पंथ दी एकत्रता होई सी ना, उस समय सारे सतपुरश इकट्ठे होए ते महापुरखां दी मौज, सारे सतपुरश आपस विच बचन करन लगे भई किसे नू लाभ होवेगा आपो अपनी कमाई दा बचन दसी। ते कोई महापुरख कहिंदे भई मैं इच्छा करां ते महाराज की कृपा दो महीनों च संकल्प पूरा हो जाता है। कोई सतपुरश कहिंदे है कि मैनू तो महीने च ही, कोई 15 दिन च ही, कोई महापुरख कहिंदे अरदास करिए महाराज पूरा कर देंगे, कोई महापुरख कहिंदे मैनू माया जिहड़ी है ना वो भई हुण नहीं, कोई मिट्टी हो गई साडे वास्ते, सोना चांदी सब मिट्टी दे बराबर है पर चेतन माया तो महाराज ही बचा लैण। जिथे जिथे अवस्था सी उवें उवें सब ने दसिया। श्री मान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरखां नूं वी प्यार नाल सारिआं पुछिआ। पहलों पुछदे सी महापुरखां ने आख्या भई तुसीं सारे वड्डे हो, कमाई विच अगे लंघे होए हो, असीं तुहाडे सामणे की दसीए, उहनां दी बड़ी निम्रता सी। जदों उहनां आख्या महाराज आओ नहीं तुसीं दसणा, असीं दसदे हां फिर तुसीं जरूर कोई ना कोई बचन करो। ते जदों सब ने उह कहा फिर प्रेम दे नाल जदों पुछण लगे आख्या महाराज जरूर दसो किसे नूं लाभ होवेगा। कहण लगे भाई खालसा जी साडे विच इहो जी कमाई वाली कोई गल नहीं, पर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज जी दी दया है, कृपा है, साडे मन च कदे संकल्प नहीं फुरिया, कदे कोई आस नहीं आई, कदे कोई आसा कीती नहीं। महाराज कह रहे ब्रह्म ज्ञानी की एक ऊपर आस, एक वाहगुरु ते आसा है, ते फिर एक दा जिन्हां नूं ध्यान है वह आसा तो उपर हो गया, उन्हां नूं कोई आस नहीं, कोई संकल्प नहीं फुरदा। ते महापुरख कहण लगे भाई जे कोई प्रेमी आ जाए ना ते ओह कोई संकल्प साडे कोल कर देवे, ते उहदा संकल्प जे साडे मन च आ जावे आउंदा बाद च सच्चे पातशाह पूरा पहला ही कर देंदे। ऐसी कृपा गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज दी।